हेलो एवरीवन, आज हम सर्कल प्रेजेंट कर सर्कल के साथ प्रेजेंट हैं। सर्कल क्या है, या क्लास 6, 7, 8, 9 में भी पढ़े हैं कि सर्कल क्या है। सबसे पहले हम सर्कल का इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर हम इसके थ्योरम्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। और इसमें हम इस चैप्टर क्लास 10 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। सर्कल के बारे में पढ़े, सर्कल सबसे पहले है क्या चीज। तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। एक ऐसा कलेक्शन पॉइंट का, एक ऐसा कलेक्शन जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर, इसे हम सर्कल कहते हैं। इसमें यह जो फिक्स्ड पॉइंट है, दिस इज नोन एज सेंटर, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज रेडियस। ओके, द फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर, फिक्स्ड डिस्टेंस इज रेडियस, एंड अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सर्कल ऑफ द जॉइनिंग द टू पॉइंट्स ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड व्हाट, डायमीटर। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। अब कॉर्ड और डायमीटर में रिलेशन आप जानते हैं कि कॉर्ड अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करा रहा है, डायमीटर भी दो पॉइंट को ज्वाइन करा रहा है, तो क्या डायमीटर को कॉर्ड कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। एक डायमीटर ही एक कॉर्ड है, एंड डायमीटर इज अ कॉन्केस्ट कॉर्ड। फिर इसी में आपने एक चीज और देखा क्या, कि जब हमने यहां कॉर्ड बनाया तो कॉर्ड हमारे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक ये पार्ट बनेगा हमारा और एक इसके ऊपर वाला पार्ट बनेगा। ये पूरा एक ऐसा वाला पार्ट बना नहीं, एक इधर और एक इधर, तो ये दोनों ही पार्ट सेगमेंट कहलाता है। ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, ये बड़ा है इसीलिए इसको मेजर सेगमेंट कहते हैं, और ये छोटा है इसीलिए इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं। इन द सेम वे अ रीजन बाउंडेड बाय द टू रेडिया एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड व्हाट, सेक्टर। ये हमारा यह भी सेक्टर है, यह भी सेक्टर है, दोनों ही सेक्टर है, दोनों ही हमारा एरिया बाउंड कर रहा है। कैसा? दो रेडिया और इसके करस्पॉन्डिंग आर्क से जो रीजन बाउंड होगा, इट इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। अगर यह सेक्टर है तो इधर भी सेक्टर बनेगा, नहीं अब इधर बड़ा है इसीलिए इसको मेजर सेक्टर कहते, और ये छोटा है तो इसको माइनर सेक्टर, ठीक है। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अभी देखना इस चैप्टर में, एक ऐसा लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन और लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब कहोगे कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है क्या? बिल्कुल होता है। एक ऐसा लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, मतलब सिर्फ आया और टच करके निकल गया, ठीक है। जब सिर्फ टच किया तब जो लाइन बनेगा, दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट, एंड एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, इट इज नोन एज सेकंड, ठीक है। ये बात टेंजेंट, ये सेकंड, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ये माइनर पार्ट्स हमारे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, ओके, सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक। और जब डायमीटर दो पार्ट में डिवाइड करे तब क्या कहेंगे इसको? एक सर्कल हमारा है, ये सर्कल, ये डायमीटर, अगर एक सेंटर, इधर भी सेंटर है, तो ये दोनों पार्ट क्या कहलाएगा? इसको हम कहते हैं सेमी सर्कल, ओके। ये हमारा सेमी सर्कल होता है। तो अब हम चलते हैं आपकी क्लास से, ये सब चीज आप क्लास 6, 7, 8, 9 की बुक में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। 9 तक में सर्कल को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, सर्कल पे बहुत सारे टर्म्स आप क्लास 9 में पढ़ते हो। क्लास 9 में सर्कल को एक बहुत ही मेजर पार्ट माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। क्लास 9 के कुछ थ्योरम्स को भी हमें इसमें यूज करना होता है, ठीक है। तो क्लास 9 के कुछ थ्योरम्स को भी हम यहाँ यूज करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी तो हम उस पर विशेष
ठीक है। हम अभी चलते हैं क्लास टेंथ में थ्योरम नंबर वन, फर्स्ट थ्योरम पे हम चलते हैं। ओके, पहला थ्योरम हमारा क्या कहता कि टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट, इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर इसको नेक्स्ट में क्या कहता, कोई भी टेंजेंट, ठीक है। अब रेडियस सर्कल, सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो फिक्स डिस्टेंस है, इसको रेडियस। अब कहता कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। हमें यही प्रूव करना है, ये हमारा थ्योरम नंबर वन है। फर्स्ट थ्योरम क्या है, द टेंजेंट drawn to a rays to a circle is perpendicular to its rays. Okay? यही हमें प्रूव है, ठीक है। तुम्हारे पास जो दिया हुआ है, सबसे पहले थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम जैसे तैसे कर देते हैं। इसमें हमें सबसे पहले जब भी थ्योरम दिया हुआ, इंपॉर्टेंट सबसे मेन पॉइंट हमें ध्यान रखना, तो थ्योरम जब दिया है तो गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन एंड देन प्रूफ की तरफ चलते, पहले प्रूफ शुरू ना करें, ठीक है। ये सब बोर्ड में कैसे लिखना है इसका एक पार्ट होता है। गिवन में सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम रेक्ट कर लेते हैं, हमारा एक सर्कल जिसका सेंटर O है, ओके। अ सर्कल, यहां पर हम ऐसा लिख देते हैं, सी ओ आर मीन्स वॉट, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ठीक है। अ सर्कल विद सेंटर इज विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ये हमारे पास दिया हुआ है। और क्या है, एक टेंजेंट दिया हुआ है, एक रेडियस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर मान लिया कि ए भी हमारा एक टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को पी रखते हैं, ठीक है। ए बी बी द टेंजेंट विच टचेस द सर्कल एट पी ओ पी बी द रेडियस, जितना है हम लिख सकते, जरूरी नहीं कि आप एक चीज लिखो, आपका लैंग्वेज चेंज हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए तरीका बोल रही है, आपको समझना है कैसे करना है। लैंग्वेज आप अपना लिख सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि जो यहाँ लिखा है वही लिखेंगे, जो बुक में लिखा है वही लिखेंगे, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो कहना है वो बात नहीं चेंज करेंगे, ठीक है ना। हम सिर्फ अपनी भाषा बदल सकते हैं, कहेंगे उतना ही, ठीक है ना। अब हम प्रूफ रूप में आते हैं, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस मींस वी कैन राइट हियर व्हाट ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी, ठीक है। इसमें हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके मन में प्राय आता होगा कि हर धर्म में हर क्वेश्चन में कह तो दिया जाता है कि कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन हम क्या से समझेंगे, सर तो समझ जाते हैं, सर को प्रैक्टिस है, आता है, जानते हैं, अच्छी बात है, सर भी वही करते हैं जो आप जानते चाहते हैं, ठीक है ना। जितना आप जानते हैं उतना ही सर भी जानते हैं, बस डिफरेंस क्या है कि आप अभी टेंथ लेवल में हो और हम उस टेंथ लेवल से थोड़ा ऊपर आ गए, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो हमारी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी बढ़ती है, आप भी प्रैक्टिस करोगे आगे बढ़ जाओगे, ये प्रैक्टिस की चीज है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा हमें करना क्या है। आप कुछ क्वेश्चंस करके देखो, समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं क्यू ए बी पर जो पी के अलावा है, और इसको हम उससे ज्वाइन कराते हैं, क्यों करते हैं अभी हम देखते हैं, प्रूफ में हम इस चीज को लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या लिखना, take a point Q, take a point Q other than P, ये वर्ड मत छोड़ना, क्योंकि
क्यू पॉइंट हमने लिया तो पी पर भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना, हम यहां भी ले सकते थे, लेकिन यहां पे ये पॉइंट जोड़ना पड़ेगा क्या, टेक अ पॉइंट क्यू अदर दैन पी, टेक अ पॉइंट क्यू अदर दैन पी ऑन एबी, ठीक है, हमने पी पर पी के अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट क्यू लिया, कहां लिया, ओबी पर, एबी पर लिया, और इसके बाद ज्वाइन ओ क्यू, ज्वाइन ओ क्यू, ओ क्यू को ज्वाइन किया, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ में, और यहां पर एक और चीज कर लेते हैं, ओ क्यू को ज्वाइन कराया और ये इसको लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट आर है जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ज्वाइन ओ क्यू इंटरसेक्टिंग The circle at R, ठीक है, इतना काम हमने किया। अब आते हैं प्रूफ क्या कहता है हमारा। अब एक चीज थोड़ा बताइएगा, जब क्लास 9 में ये प्रूफ किया होगा कि किसी भी पॉइंट से किसी एक लाइन का डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या प्रूफ की होगी। जैसे ही हम इधर बढ़ते चले जाते हैं ये लाइन बड़ा हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, है ना, इस लाइन का ये सारा डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे तो किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहां भी हमें वही चीज ध्यान में रखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बस यही मेन पॉइंट हमारा, बस प्रूफ हो गया, तेरा में कुछ नहीं बचा, ठीक है, तेरा प्रूफ हो गया, छोड़ दो, छोड़ो नहीं, कंप्लीट कर दो, ठीक है, लिख ही देता हूं, ओके, रूफ में बात है, रूफ में लिखते क्या, क्यू इज द पॉइंट ऑन ए बी अदर दैन पी, सिंस क्यू इज अ पॉइंट, क्यू इज अ पॉइंट ऑन ए बी अदर दैन पी, जो हमने कंस्ट्रक्शन में किया, नहीं कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि एक पॉइंट हमने क्यू लिया था जो पी के अलावा दूसरा पॉइंट था ए बी पर जो सर्कल को आर पर इंटरसेक्ट करता है, तो क्यू इज अ पॉइंट ऑन ए बी अदर दैन पी। अब जब दूसरा पॉइंट हमने क्यू ले लिया और हम यहां क्या कह सकते हैं, यहां पर हमने और क्या किया, इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट आर, ये हमने किया हुआ है, दिस इंप्लाइज वी मे से व्हाट, ओ क्यू is greater than OR, okay? OQ is greater than OR. क्यों ऐसा होगा? ये क्यों होगा? Because OR is a part and OQ is the whole. और कोई भी part अपने आप से हमेशा बड़ा होता है, है ना? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? The part is smaller than its whole. ठीक है, यहां रेडियाई लिखा आपने आर ए डी आई आई, ठीक है, आर ए डी आई आई में इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, रेडियस मीन्स सर्कल का रेडियस समझ में आ रहा है, और इसका प्लूरल जैसे एक से अधिक होगा तो प्लूरल बनेगा, ये रेडियाई है, रेडियस का प्लूरल, क्या घबराना नहीं, गलत नहीं हुआ, ठीक है, रेडियाई ऑफ द सर्कल जो कि दोनों ही रेडियस है, ठीक। अब OQ OP के बराबर है, बट OR OP के बराबर है, बट OQ OR से बड़ा है, तो क्या OQ OP से बड़ा होगा? बिल्कुल होगा। This implies OQ is greater than OP। ठीक है। अब यहाँ और की तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए from 1 and 2, ठीक है, from 1 and 2 हमने क्या किया, OQ is greater than
जब यह हमारा कंप्लीट हो गया, ओ क्यू ओपी से बड़ा हो गया, और हमें एक चीज क्या जानते हैं कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, एंड वो भी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू एबी। क्लियर? ओ से एबी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ओपी होगा, क्योंकि हमने दूसरा कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर रखकर चेक कर लिया। क्यू मीन्स कोई भी पॉइंट, यहां भी रखेंगे वही बात होगी, यहां भी रखेंगे वही, कोई भी दूसरा पॉइंट रखेंगे हमेशा वही बात आएगी। ठीक है, इसीलिए ये क्या प्रूफ कर दिया हमारा कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम O टू AB। ओके, OP is the shortest distance. OP is the shortest distance from O to AB. ठीक है, AB का डिस्टेंस इस O से सबसे कम कौन सा डिस्टेंस बनाएगा? OP बनाएगा, वह हमने लिख दिया। As we know that, the perpendicular distance is the shortest distance. Okay? The perpendicular distance is the shortest distance. Okay? Hence, OP is perpendicular to AB. ये प्रूव करना था हमारा। इस प्रूव में कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, बस समझना थोड़ा सा यहां है कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, OP को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखा देना हमें, और यह हम जानते हैं कि सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसीलिए यह परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यह हमारा प्रूव हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर को पलट कर देखो, आपको कई बार मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। 9, 11, 12, 13, 14, 15 हर ईयर में क्वेश्चन लगातार पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एकदम 100% आपको कंप्लीट कर लेना है। अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा है कि टेंजेंट्स ऑफ The lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. ठीक है, मतलब क्या? कोई भी एक सर्कल हमारे पास है, इस सर्कल में कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट्स बनाएंगे, तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक, अब कह रहा क्या, टेंजेंट का मतलब सिर्फ इतना ही, जरूरत नहीं हमें यहां अगर हम इसको बढ़ा भी दें, इतना यहां तक बढ़ा दिया और ही बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या कि हमारा टेंजेंट काउंट कहां से, लेंथ कहां तक मेजर करेंगे, इसी पॉइंट तक मेजर करेंगे। अगर मान लिया हमने एक पॉइंट पी ले लिया और एक पॉइंट ए और बी ले लिया, पॉइंट ए एंड बी आर द टेंजेंट्स। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द From an external point to a circle are equal. किसी external point से किसी circle पर हमने tangent draw किया, तो ये क्या होंगे? Equal होंगे, या P equal to PB हमें prove करना। Okay? तो सबसे पहले हम इसमें given लिखते हैं, क्या लिखेंगे? कोई भी एक circle हमारे पास है, circle होगा, center भी होगा, center को हम collect कर लेते हैं। Okay? Given क्या हमारे पास? A circle. With center O and radius R, in which
हाँ बीवी पी ए आर पी बी आर ड्रॉ फ्रॉम पी क्लियर। दो पॉइंट को हमने क्या किया, टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है। अब इसमें हम प्रूफ में टू प्रूफ में आगे, व्हाट इज टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, टेंजेंट्स आर इक्वल मीन्स व्हाट, पी ए इक्वल टू पी बी, या हमें प्रूफ करना। इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि इस ओ से बी को मिलाते हैं, ओ से ए को ज्वाइन करा दिया, ओ से बी को ज्वाइन करा। अब एक बात बताइए, ओ से ए को ज्वाइन कराना, ओ से बी को ज्वाइन कराने से क्या फायदा होगा? अब जब हमने सर्कल से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कराया तो कुछ मिलेगा, कुछ गिवन फैक्ट हमें पता चलेगा इससे? बिल्कुल, अभी अभी जस्ट हमने एक ग्रहण किया था कि सर्कल का टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा, यह भी परपेंडिकुलर होगा, और जब ये दोनों ही परपेंडिकुलर बनेंगे हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हो जाएंगे। क्लियर है? जब दो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, यह राइट एंगल बना, यह भी राइट एंगल बना, ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, क्यों, बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल एंड ओपी दोनों ही सर्कल दोनों ही ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है। दैट्स व्हाई व्हाट वी मे से व्हाट, ट्रायंगल पीएओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीबीओ बाय व्हिच क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड आर एचएस। क्लियर, इस बात को हम यहां लिखते हैं, फिर हम देखते हैं मार्क प्रूफ हुआ या नहीं हुआ। हम चलते कंस्ट्रक्शन में, क्या किया हमने, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ बी। अब आते हैं प्रूफ में, प्रूफ में हमने क्या कहा, क्या करना है, तो सिर्फ दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना है। तो फ्रॉम ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी वी हैव, व्हाट डू वी हैव, एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी बी ओ, वाई वाई इज इक्वल 90 डिग्री, इज इट क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या करेगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी, वाई ये क्यों होगा, ओ ए और ओ बी इक्वल क्यों होगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल में कितने भी रेडियस होंगे तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा ना, क्योंकि रेडियस का मेजरमेंट तो अलग अलग होता है नहीं, तो क्या होता है, इक्वल होता है। एक ही सर्कल में बहुत सारे रेडियस होंगे तो क्या होगा, उसके मेजरमेंट तो इक्वल होंगे, क्योंकि एक सर्कल में इनफाइनाइट सर्कल रेडियस हो सकते हैं, और ये फिक्स डिस्टेंस जो रेडियस कहलाता है नहीं, इसीलिए ये इक्वल होगा। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल एंड व्हाट, OP इक्वल टू OP, ये क्या हुआ, क्या हुआ, कॉमन राइट। देयरफॉर ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB बाय व्हिच क्राइटेरिया, बाय SAS, बाय SAS, नो SAS, नो साइड साइड एंड एंगल, नो तो ऐसे ऐसे नहीं होगा, तो क्या होगा, आर एच एस होगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ओके, तो बाय आर एच एस, ओके, या इस क्राइटेरिया से आर एच एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो अब क्या करेंगे हम, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मींस व्हाट, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, तो ऑल द थ्री साइड्स एंड ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल। नाउ हमें तो हमें एक ही पार्ट की जरूरत है, PA इक्वल टू PB, तो हम यहां कह सकते हैं PA इक्वल टू PB, व्हाट, C
CPCT, the corresponding parts of congruent triangles. क्या ये मैं प्रूफ करना था? It is proved. Clear? ये दो थ्योरम अभी हमने देखा, दोनों ही थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरम तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप देखोगे 7 में पूछा हुआ, 8 में पूछा, 8 कंपार्टमेंट में पूछा, 9 में पूछा, 9th कंपार्टमेंट में पूछा, 11, 12, 13, 14, 15 हर ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एकदम क्या करना है, रट्टा मारना. ठीक है, मैथ्स को रट्टा नहीं मारते, अच्छे से समझ लेना है, सही से कंप्लीट कर लेना है. बहुत मुश्किल नहीं है, बस यहां से शुरू हुआ, यहां तक खत्म हो गया, यहां तक आपके पास एग्जाम में दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, बस इतना ही तो लिखना है. ठीक है, और ये कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, ये सिर्फ ट्रायंगल को कॉम्प्लीट करना है और तो इसमें कुछ नहीं है. दो नंबर फ्री का आपको मिलेगा. ठीक है, दो नंबर आपको मुफ्त का मिलने वाला, आप फिर फ्री का मिल चीज तो ऐसे भी बहुत अच्छा होता है, आप आराम से उठाते जाओ, यहां से मिल रहा है. ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना है, हाल में कंप्लीट करना है. सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पीछे का चैप्टर हमने ट्रायंगल किया हुआ है. ट्रायंगल के आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको ट्रायंगल का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें टोटल 9 वीडियोस आपको मिलेंगे. आप सारे पार्ट्स को देखिए, हर पार्ट में आपको 1-8 में हर पार्ट में हर वीडियो का आपको लिंक अवेलेबल होगा, किसी एक वीडियो का आप खोलेंगे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे. आप वहां से ट्रायंगल कंप्लीट कीजिए, ट्रायंगल कंप्लीट करते ही आप सर्कल कंप्लीट करते जाएंगे. इसमें टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए होते हैं. ठीक है, ये ज्योमेट्री पोर्शन है और इसमें टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. इसमें हमारा एक कंस्ट्रक्शन और बच जाता है, जो कंस्ट्रक्शन को हम लास्ट में करेंगे. ठीक है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 नंबर तुम्हारा कंस्ट्रक्शन से हो जाएगा, 10 नंबर के क्वेश्चन हमारे इन दोनों चैप्टर से मिलकर आ जाएंगे. अब ये फ्री का मार्क्स मिल रहा है, आराम से उठाते जाना. ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में.